अभी जिन्होंने फाइन आर्ट में डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है उनको मास्टर्स क्यों करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है मास्टर्स का? एकदम सच बोलूंगा, यहाँ पे मैं जरा भी कुछ डिप्लोमेटिक नहीं बोलूंगा। फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक मेरा सॉल्व नहीं हुआ। ये जो डिप्लोमा में है 4 साल का एकेडमिक और डिग्री का भी है 4 साल का, तो ये जो डिप्लोमा और डिग्री का जो फर्क है उसमें ऐसा क्या फर्क है जो नाम से फर्क है लेकिन 4 साल में तो दोनों भी सिखा रहे हैं, क्या चेंजेस क्या अंदर? मास्टर्स को क्यों करना है ये सबसे बड़ा सवाल आपको पूछना चाहिए। मास्टर करने लायक हम उस हद तक पहुंच गए क्या, ये एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। जब हम पोर्ट्रेट करने बैठते हैं, आप कॉलेज में सिखाते हो, कभी कभी ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनके पोर्ट्रेट, जैसे हम बहुत ही अर्ली स्टेज में जब हम पोर्ट्रेट करते थे तब हम सिर्फ स्किन टोन मारते थे, मतलब जो वीक स्टूडेंट होते हैं जिनको वो टोनल वैल्यूज नहीं समझ में आते, तो उनके लिए आप थोड़ा बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैंकी व्लॉग्स। हमेशा की तरह मैं इस बार भी आपके लिए एक फाइन आर्टिस्ट लेके आया हूँ, और वो आर्टिस्ट है ना इतना रिक्वेस्टेड आर्टिस्ट है, मतलब मुंबई से इतने सारे रिक्वेस्ट आए थे सर आपके बारे में। तो सर का नाम है अक्षय पै, विरार में रहते हैं, सर ने फाइन आर्ट किया है और उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। जानने के लिए इतना कुछ है क्योंकि सर का फिगरेटिव वर्क, ऑयल में काम आप बहुत ज़्यादा करते हैं सर, और उनके दीवाने हर स्टूडेंट है हर कॉलेजेस में, सर कॉलेज में भी सिखाते हैं, विवा इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में सिखाते हैं। उस कॉलेजेस से तो इतने रिक्वेस्ट आते थे मुझे स्टूडेंट्स के सर के साथ एक पॉडकास्ट कीजिए, उनका स्टूडियो या फिर उनकी बातें हमारे साथ शेयर कीजिए। लेकिन उसके साथ है ना अलग अलग कॉलेजेस जो आजू बाजू में कॉलेज है, जेके, जेजे, ठाणे स्कूल ऑफ आर्ट, बहुत सारे कॉलेजेस है हमारे मुंबई में, तो वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते थे और फाइनली आज हम मिल रहे हैं। हेलो सर, वेलकम टू सैंकी व्लॉग्स, और आज हम बहुत सी बातें करेंगे और आई होप सारे स्टूडेंट्स है वो आज फाइनली उनका मन भर जाएगा कि सर की बातें उन्हें जानने मिलेगी। शुरू करते आज का पॉडकास्ट, आपके बारे में थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को, और जो स्टूडेंट्स जो नहीं जानते आपको उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। मतलब कहाँ से शुरुआत करूँ? अक्षय पै सर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ओके, बेसिकली मैं वसई से हूँ, मतलब मेरा बचपन जो है थोड़ा सा वो वसई में गया। वसई में पापड़ी करके एक है वसई गांव में, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा बचपन गया। उसके बाद एजुकेशन जो है वहाँ पे न्यू इंग्लिश स्कूल करके है, वहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ा। उसके बाद हम लोग मीरा रोड शिफ्ट हुए, मीरा रोड में नया नगर में पहले रहता था मीरा रोड में। उसके बाद हम लोग भाईंदर शिफ्ट हुए, भाईंदर में ऑलमोस्ट मेरा थोड़ा सा हम कह सकते हैं बचपन और कॉलेज डेज तक मैं भाईंदर में रहा। उसके बाद हम लोग अभी 2011 में 11-12 के अंदर विरार में शिफ्ट हो गए। तो ऐसा मेरा यू टर्न है जर्नी। आसपास ही, मतलब आपने अभी तक आप आओ आप थोड़े बहुत दूर नहीं गए? नहीं नहीं, वैसे ही से फिर डायरेक्टली विरार, अभी ऐसा यू टर्न है मेरा, ऐसे कह सकते हम लोग। तो वसई में अगर आपका बचपन बीता है, मतलब अभी तक आप यही माहौल में हो, मुंबई की भीड़ भाड़ और वसई की जो शांति है, आई थिंक अभी भी शांति है, इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सुकून है, सुकून है। मैं थाने से यहाँ पर जो ट्रैवल करके आया हूँ मुझे पता है, और बहुत से लोग जो ट्रैवल करते रहेंगे उनको पता रहेगा मुंबई में बहुत ट्रैफिक है। तो आपने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखा रहेगा जो मुंबई के बेस्ट आर्टिस्ट है या फिर स्टूडेंट्स है, और जो यहाँ के बेस्ट आर्टिस्ट या स्टूडेंट्स है, उनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है या फिर आपके लाइफ में? सबसे पहले मुझे एक फ़र्क तो दिखता है, सब लोग पहले यही पूछते हैं कि अरे बाप रे कुटे रहते हो? विरार, अरे विरार रहते हैं, अरे बाप रे बाप। तो ये सबसे पहला फ़र्क मुझे समझ में आता है सबके बात करने में। तो बाकी कुछ तो खास फ़र्क है नहीं, लेकिन जो माहौल, मतलब ये बाहर के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे जितनी शांति है उतनी आधी भी शांति वहाँ पे मुंबई साइड उनको नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए। तो मैं मेरी सिचुएशन को मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अच्छी लाइफ जी रहे। ये विरार है वसई है तो अच्छा है, और पहले से मेरा बचपन जो वसई में है तो मुझे वसई से एक बेसिकली लगाव है पहले से ही। मतलब मैं शिफ्ट बाद में होना भी चाहता था, जब विरार था तो मैंने सोचा भी था कि क्यों ना वसई शिफ्ट हो जाए।
तो अभी कैसा है कि जॉब भी विरार में ही है और विरार की भी बहुत सारी ऐसे आदत हो चुकी है इतने साल में, तो फिर लगा कि वसई में क्यों जाए, तो विरार में ही मतलब सेट हो जाते हैं। हाँ, इसलिए ना तो मुझे वसई से बेहद लगाव है पहले से ही। हाँ, मतलब मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुंबई की तरफ हम जाए, मतलब उसका अट्रैक्शन ऐसा एज सच कभी नहीं था। तो वसई विरार ये मेरे लिए बहुत सुकून वाली प्लेस है ऑलवेज। सो अक्षय भाई सर के ना ऑयल पेंटिंग्स बहुत मशहूर है, बहुत सारे फैंस है उसके, लेकिन बहुत कम लोगों को पता रहेगा। आपने कल ही, मुझे भी कल ही पता चला, आपने स्टोरी पे डाला था आपके रंगोली के पेंटिंग, ये फोटोज डाले थे रंगोली निकालते हो, तो ये रंगोली का चस्का कब लगा? बेसिकली हुआ ऐसे कि थोड़े से मैं पीछे जाता हूँ। हाँ, मेरे भाईंदर के डेज में। जब मैं भाईंदर रहता था, ये कब की बात है? ये 2003-2004। अच्छा, ये कब, आपकी उम्र क्या होगी तब? करीबन मैं आठवीं में था, आठवीं नौवीं में था। तो हुआ ऐसा कि जो मेरे क्लासमेट अक्षय नाइक करके, तो मैं जब भी भाईंदर शिफ्ट हुआ तो वो स्कूल में हम लोग दोनों पढ़ते थे एक साथ। हाँ। तो मेरे ही आगे वो बैठता था, तो उसने बातों बातों में बोला कि मेरे चाचा जो है, मतलब मेरे पहले गुरु हम कह सकते हैं उन्हें, आर डी नाइक करके है वो, उनका साइन बोर्ड पेंटिंग का एक बिजनेस है वहाँ पे। तो अभी वो फ्लेक्स में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन पहले के जो साइन बोर्ड बैनर होते थे, तो मैं उसके साथ जाने लगा उसके मतलब शॉप पे उनके, और वो देखते देखते मुझे आदत लग गई ये सब की, ये कैसे है, मतलब अच्छा लगा कि अरे ये भी हमें आना चाहिए। मतलब बेसिकली पेंटिंग चलता था वहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ वो सब साइन बोर्ड बैनर चलता था, तो उससे थोड़ी सी मुलाकात हो गई ये फील्ड से। और बाद में थोड़ा सा पता चला कि उनके शॉप में मनोज पाटिल करके एक मतलब बंदा था। हाँ। काम करने वाला, हम लोग दादा बोलते उसको। ओके। तो वो जूचंद्र से था, नायगांव जूचंद्र। और वहाँ पे रंगोली निकालना वो सब बहुत उन लोग के लिए आम बात हो चुकी है अभी। मतलब उस गांव में हर एक लड़का रंगोली निकाल सकता है जिसे ड्राइंग पेंटिंग की कुछ इच्छा हो, आवड हो वैसे। तो मतलब पोर्ट्रेट रंगोली, पोर्ट्रेट रंगोली वहाँ पे सबको आती है, और जो जिनको इंटरेस्ट है तो वो करते ही है। तो उनसे मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी रंगोली करके चीज़ होती है। तो मैंने दो तीन बार उनसे कहा कि मुझे ये सिखाएंगे क्या आप, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं सिखाऊंगा। तो ऐसे एक दो साल गुजर गए, लेकिन उस बीच में कभी एग्जीबिशन वगैरह हुआ नहीं था। तो एक बार उसका एग्जीबिशन भाईंदर में, वही आर डी नाइक जो है हमारे गुरु, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो उस वक्त मेरे लिए ऐसा था कि अरे बाप रे, मतलब जो मैं चीज़ सीखने चाहता हूँ वही उसका एग्जीबिशन यहाँ पे हो रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे पूरा दिन वहीं रहता था। तो ऐसे बहुत सारे रंगोली आर्टिस्ट एक साथ इकट्ठा हुए थे। तो एक रोहित साळगावकर करके थे, तो ये सब मतलब लालबाग के आर्टिस्ट थे, अभी नहीं रहे, वो गुजर गए। तो वो सब आए थे वहाँ पे, रंगोली दिखाया उन्होंने। उधर से मुझे उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि ये चीज़ भी अलग है। तो ड्राइंग पेंटिंग तो थी ही, साइन बोर्ड बैनर भी था, लेटरिंग वगैरह जो हम कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो गया। तो वो एक इच्छा तैयार हो गई कि यार ये भी मुझे आना चाहिए। और मैं पागलों की तरह उसमें काम करता था, बहुत काम करता था स्कूल के टाइम से। लेकिन मैंने पहली रंगोली मेरी 2005 या 6 के आसपास मैंने निकाली, बहुत कॉम एकदम छोटी सी गणपति मैंने किया था। तभी मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इस तरह से किया जाता है, लेकिन बाद में जब एग्जीबिशन हुआ तभी मुझे उसकी टेक्निक समझ में आई कि अरे ये असल में कैसे करते हैं। तो मेरे लिए वो पहले बहुत अट्रैक्टिव चीज़ थी, तो मैं उसके ऊपर खींचा चला गया और मैंने काम करते गया उसके अंदर। और बाद में मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि एज अ प्रोफेशनल रंगोली भी मैं करता था। अभी 2015 में शायद मैंने लास्ट एक रंगोली निकाली थी। तब तक मैं एक्टिव था बहुत, उसके ऑर्डर्स लेना वगैरह, बाहर जाना। एक जैन कम्युनिटी है तो उसके अंदर बहुत सारी रंगोली वो लोग करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर, माइथोलॉजिकल होती है, पोर्ट्रेट्स होते हैं। तो मैं इस ग्रुप में बहुत एक्टिव था, तो रंगोली मेरे लिए एक हद तक ब्रेड बटर भी हो चुका था। तो मेरी पैशन इसमें कन्वर्ट भी हो चुकी। तो ये रंगोली के लिए मेरा बहुत एक निजी लगाव बोल सकते हैं हम, वैसे है। तो अभी कल ही मैंने कुछ सामान साफ करने के लिए निकाला था, तभी मुझे वो एल्बम दिखाया। और शायद मैंने आपको कहा था कि आप हमें पेंटिंग्स लगेंगे, तो शायद आपने तब बक्सा ओपन चेक कर रहा था कि मेरे पास कुछ है, तो एक दूसरे कारण की वजह से मैं निकाल रहा था। अच्छा, क्योंकि क्लीनिंग भी ज़रूरी है ना।
तभी मुझे मालूम ही नहीं था कि वहाँ पे एल्बम मिलेगा। हाँ। तो वो एल्बम निकाला तो उसके अंदर बहुत सारे फोटोज मिले, आपके आईडी कार्ड से लेके सब था। तो वो तो सब निकला वहाँ पे। ये बस इतना ही बक्सा अभी घर पे है या और भी बहुत अंदर रखे या अभी तक गए? मतलब इसे अनफॉर्चुनेटली मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे पास मेरे पेंटिंग्स जो है अभी इस बक्से में जो है वही है, क्योंकि बहुत सारा मेरा काम, मतलब भाईंदर में जब भी रहता था तो उसके अंदर मेरे दो तीन पोर्टफोलियो थे, एकेडमिक्स के भी थे। तो वो कुछ कारणवश मुझे मतलब डिस्कार्ड करने पड़े, क्योंकि थोड़ा सा बारिश का पानी चला गया था, फंगस लग गया था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो और मैं हाल ही में मेरे अपने घर में शिफ्ट हुआ, तो उससे पहले रेंट के घर में रहता था, तो हर वक्त वही सब लेके शिफ्ट करना, ये करना, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब मैं इसे रीज़न नहीं दे रहा हूँ कि ये करने के लिए मैंने डिस्कार्ड किया, लेकिन वो मैं ही जानता हूँ कि उसके पीछे क्या रीज़न थे। इसके लिए मैंने मेरे ऑलमोस्ट एकेडमिक के सब काम और एक्स्ट्रा वर्क को सब डिस्कार्ड कर दिए थे एक हद तक सब। वो करने के लिए भी एक जिगरा चाहिए, क्योंकि नहीं हो पाता। अपना काम कोने में रखना भी अपने को ऐसा, उसको कुछ हो ना जाए, वो भी है ऐसा। वो भी है, लेकिन मैं वो इसीलिए मैंने कहा कि उसके कारण मुझे ही पता है। तो वो हो चुका ऐसा, तो अभी जो है मेरे पास। चलो कोई नहीं, अभी आगे भी बहुत सारे पेंटिंग्स बनाने हैं। तो जो स्कूल में आप थे और आपने कहा कि आपने रंगोली बनाना सीखना शुरू किया, तो सबसे पहले आपके लाइफ में रंगोली आई या स्केचिंग या फिर ऑयल पे, मतलब पेंटिंग या फिर अपना क्या जो ड्राइंग का रहता है, ड्राइंग पहले आया या रंगोली ज़्यादा पहले आई? नहीं, सबसे पहले आया स्केचिंग से कहते हैं, ड्राइंग स्केचिंग। मुझे मेरे पास मतलब जो ड्राइंग का जो एक गुण बोल सकते हैं वो मेरी माँ से आया है। okay. क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छे ड्राइंग करती है। okay. एक हद तक उसने बहुत अच्छा काम किया है। wow. तो उसे थोड़ा सा उसके टाइम पे आर्ट स्कूल वगैरह परस्यू करने के लिए उनकी मतलब कंडीशन नहीं थी। वो ज़माने की बात कर रहा हूँ। right. तो उसकी मतलब वो जो एक इच्छा थी वो वहीं तक रह गई। तो मेरे में उसका वो जो एक गुण बोलते वो तो आया। और मैं बचपन से करता था ड्राइंग वगैरह, लेकिन मैं सीरियस 7th स्टैंडर्ड से हुआ। okay. मुझे ऐसा लगा कि अरे ये मैं कर सकता हूँ अच्छे से। और तभी मुझे मेरे आरडी नाइक जो गुरु है, मेरे दोस्त के चाचा, वो मिले, तो उनसे कुछ प्रेरणा लेके मैं करता था। तो एक बोलते ना, एक सहज अट्रैक्शन होता है कि हम कॉपी वर्क करते हैं, किसी का पोर्ट्रेट करना है ग्रिड डाल के वगैरह, तो वो चारकोल पेंसिल में रेंडरिंग करो, पेंसिल से रेंडरिंग करो, पोस्टर कलर से काम करो, तो ये सब मैं बहुत करता था तभी। मतलब उसके बाद मैं ऑयल पेंटिंग भी करता था, मतलब ये तो बहुत अलग ही किस्सा है मेरे पास, उसके भी कुछ फोटोग्राफ्स रहेंगे। तो बॉडी बिल्डर हो या कोई सरकार का अमिताभ बच्चन हो या कोई भी ऐसे, तो मैं उसके प्रिंटआउट लेता था, उसके ऊपर ग्रिड डालता था, फिर हार्डबोर्ड परचेस करता था हार्डवेयर स्टोर से, उसको प्राइम करता था, और ये मैं खुद के लिए करता था। ये क्या है, स्कूल के टाइम पे या? ये ऑलमोस्ट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। okay. ये 9th स्टैंडर्ड 9th 10th की बात। तब आपको प्राइम करना वो सब पता था? मैं पेंटर के पास बतौर जॉब ही मतलब कर सकता था। वो मतलब वो ऐसा जॉब नहीं था, लेकिन मैं उनको हेल्प करने के लिए ऑलवेज जाता था। तो वो इस हद तक हेल्प होती थी कि मैं अच्छी तरह से लेटरिंग कर सकता था वो एज में। मतलब उन्होंने बहुत मुझे अच्छा गाइडेंस दिया, तो ये गाइडेंस मेरे अभी ज़्यादा काम में आ रहा है। तो उस हद से मैंने स्टार्ट किया स्केचिंग वगैरह, उसके बाद धीरे धीरे लेटरिंग में आने लग गया। और मुझे बाद में पता चला कि 10th के बाद हायर एजुकेशन जो होता है आर्ट में, तो मेरे स्कूल के जो सर है शिव कुमार पाटिल भाईंदर में, तो हमारे रहेजा से थे। अच्छा। हाँ, और रहेजा से 94 में उन्होंने डिग्री उनकी ली, सॉरी डिप्लोमा लिया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू 12th कर और डायरेक्टली जेजे का एडमिशन ले ले। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा नामुमकिन था, क्योंकि मैं 10th ही ऐसे हद तक कर रहा था कि मुझे अभी पेंटिंग करना है, मतलब ड्राइंग पेंटिंग करना है। ओके। मैं पढ़ाई में अच्छा था, मतलब उतना नहीं, मिडल था एक अच्छे से, लेकिन वो 2 साल कौन निकालेगा। और ये जान पे आया मेरे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि 10वीं के बाद कुछ है, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि ऐसा ऐसा होता है, तुम कर सकते हो। तो एक दो दोस्त से मुझे समझ में आया कि अरे हाँ, मॉडल आर्ट होता है, LS रहेजा में है, रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट में है, थाना स्कूल में है, चरनी रोड में है, मुंबई कला महाविद्यालय, तो ऐसे 4-5 कॉलेज के नाम मेरे सामने थे।
तो फाइनली मेरा एडमिशन मतलब मॉडल एट में हुआ, मॉर्निंग बैच में। हाँ, मॉर्निंग बैच में। तो मैं मॉर्निंग बैच में एडमिशन हुआ। सावन मैडम थी मुझे, सुरेश गरुड़ सर करके थे, तो उन्होंने दोनों ने पढ़ाया। दातार मैम थी जो अभी नहीं है, तो उनके पास मैं 2007-08 की बैच हम लोग की शायद, क्योंकि 6-7 तो मेरा दसवीं था, 7-8 मेरे ख्याल से फाउंडेशन होगा। मैं 18 के बैच का रहूँगा, डबल डायरेक्ट 7-8 साल बाद। बहुत ही बड़ा। तो ऐसे दसवीं के बाद मेरा डायरेक्टली शिफ्ट हो गया, वो इस करियर में ही हुआ। सो बेसिकली आई वॉज वेरी फोकस्ड अबाउट पेंटिंग एंड ड्राइंग। मुझे ऐसा कभी दिक्कत नहीं लगी इस चीज़ में आने के लिए क्या करना, मैं क्लियर था क्योंकि मुझे यही करना था। मेंटली बहुत ही शांत था और क्लैरिटी थी। हाँ, क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि हमें समझ में आता है तभी। और मेरे बारे में अगर कहूँ तो मेरी थोड़ी सी पीछे जनरेशन में बोल सकता हूँ, तो तभी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी सामने कि मेरे सामने ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, मैं ये भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा हूँ, मेरा दोस्त यहाँ जा रहा है, मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है, तो मैं इसके साथ जाऊँ या उसके साथ जाऊँ, ऐसा नहीं था। कुछ हद तक एक लिमिटेड सोर्सेस थी, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम इधर जाओ, तुम्हें वो करना है तो उधर जाओ, कुछ नहीं तो 12वीं करो, उसके बाद जो करना है करो। ये ऐसे क्लैरिटी थी, तो मैंने मेरा रास्ता देख लिया था कि मुझे ये करना है। घर में थोड़ा सा पप्पा को लगा कि एटलीस्ट 12वीं तो कर ले, बेसिक वही टिपिकल सोच होती है कि 12वीं करे उसके बाद। कुछ हद तक सही भी था उनका, लेकिन मेरे से नहीं होता था। पढ़ाई करने के लिए फिर से 2 साल जाना, वो एक डाइवर्जन होता था मेरे लिए, तो वो एनर्जी मेरी अलग जगह पे जा सकती थी, ऐसा मुझे अभी स्ट्रांग फील हो रहा है। हाँ, अभी तो हो गया, अभी आप देख ले, अभी सक्सेसफुल एक लाइफ बन गई है, तो अभी तो बराबर है। सक्सेस के लिए ये तो पता नहीं, लेकिन जो चाहिए वो ट्रैक तो है, एटलीस्ट भगवान की दया से, तो मुझे तो ये लग रहा है। सुपर। सो मतलब आपने डिप्लोमा किया है, बराबर, डिग्री नहीं किया आपने? डिप्लोमा 2011 में कंप्लीट हुआ। ओके। उसके बाद मैंने मतलब मैं सामने से ही बोलता हूँ, मैंने उसके बाद स्कूल में जॉब किया। ओके। शायद ढाई से तीन साल मैंने स्कूल में जॉब किया। हाँ। उसके बाद मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन किया। ओके। 2014-15 की बैच, डीपेड बोलते हैं, डीपेड बोलते हैं। हाँ। और हाल ही में अभी मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया मेरा। ओके। और वो कहाँ से किया आपने? और वो किया मैंने नागपुर से। नागपुर। हाँ, कवि कुलगुरु कालिदास विद्यापीठ। हाँ, उनके अंडर हम लोग का इंदापुर में जो कॉलेज है, वहाँ से मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया। ये जो अभी फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स अभी जो देख रहे, उसके बाद उनको मास्टर्स करना होता है, तो उनके लिए क्या आपने क्या देखा मास्टर्स के लिए, और उसी कॉलेज में क्यों गए, या फिर कौन से कॉलेजेस है, थोड़ा सा एक रफ में फास्ट बता दीजिए कि बेसिकली कॉलेज अभी के दौर में बहुत सारे हैं मास्टर्स करने के लिए। हाँ। क्योंकि जहाँ पे जीडी आर्ट है तो उसका हायर एजुकेशन होता है डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन। हाँ, तो जीडी आर्ट के बाद डीपेड, ये उनका हायर एजुकेशन हो गया। तो अभी जहाँ पे डिग्री है बैचलर ऑफ़ फाइन आर्ट, तो उसके बाद उसका हायर एजुकेशन है मास्टर ऑफ़ फाइन आर्ट। तो जो भी कॉलेज में बीएफ है तो उनके एमएफए ऑलमोस्ट अभी आ रहे हैं सब में। और कुछ हद तक ऐसा भी होता है कि अरे तू बैचलर किया है तो मास्टर्स भी कर ले। अभी का जनरेशन और अभी का ट्रेंड शायद से ये होगा, तो मैं बोल सकता हूँ। तो मास्टर्स बहुत सारी जगह पे है, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में है, औरंगाबाद में है, नागपुर में है, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी है, वहाँ पे भी मास्टर ऑफ़ फाइन आर्ट है। तो जो स्टूडेंट्स अभी बीएफए कर रहे हैं उनको अगर मास्टर परस्यू करना है तो महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र के बाहर भी है, ऐसे बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटीज़ है, ओपन है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी ऑप्शन है, प्राइवेट कॉलेजेस के भी ऑप्शन है। अभी जहाँ पे मैं सिखाता हूँ ये हम लोग का प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पे भी मास्टर्स है, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ नागपुर रामटेक का, तो वो भी है अभी ऑप्शन, और सारे बहुत सारे कॉलेजेस भी है। तो आपने नागपुर में जाके वहाँ पे रह के वो किया है घर से? नहीं, मैंने मास्टर्स में भी 2 कैटेगरीज हैं कि बाय रिसर्च और बाय पेपर। तो मैंने बाय रिसर्च ही किया है क्योंकि मैं तो कॉलेज जॉब करता हूँ कॉलेज में, तो मुझे 100% वहाँ अटेंडेंस पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने बाय रिसर्च ही वो किया है। तो यहाँ से मैं काम करता था और वहाँ पे सबमिशन देता था जो कुछ भी उनका रिक्वायरमेंट होता है वैसे।
और ऐसे करके हम लोग ने छुट्टियों में मतलब थोड़ी सी एडिशनल छुट्टी लेके हम वहाँ पे जाते थे, अटेंड करते थे, एग्ज़ाम देते थे, करते थे। हालांकि अभी हम जो ओपनली बात कर रहे हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मास्टर्स इस तरह नहीं होता, नहीं होता मेरे मायने में। वहाँ पे अटेंड करना है, कॉलेज में बैठना है, उस एटमॉस्फेयर में काम करना है, ये मास्टर्स अलग चीज़ है। मैं मेरे कुछ कारणवश ये मास्टर परस्यू किया तो मेरी कुछ अलग रीजंस है, लेकिन मास्टर करना है तो उस जगह पे जाओ, अच्छे से वहाँ पे जाओ, काम करो, देखो उस जगह पे, और पेंटिंग कर रहे हो या पोर्ट्रेट कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, प्रिंट ले रहे हो, म्यूरल कर रहे हो, कॉलेज अटेंड करके मास्टर्स करना ये एक अलग चीज़ होती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ सबको बोलने के लिए कि तुम वैसे मास्टर्स अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे जाके वहाँ पे ही सीखो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है, जिनकी कंडीशन अच्छी है वो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, तो बाहर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। और अभी जिन्होंने फाइन आर्ट में डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है उनको मास्टर्स क्यों करना चाहिए, क्या मतलब इम्पोर्टेंस है मास्टर्स का? मैं एकदम सच बोलूँगा, यहाँ पे मैं ज़रा भी कुछ डिप्लोमेटिक नहीं बोलूँगा। मास्टर्स आपको क्यों करना है ये सबसे बड़ा सवाल आपको पूछना चाहिए कि आपको मास्टर्स क्यों करना है। मास्टर करने लायक हम उस हद तक पहुँच गए क्या, ये एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी होता है कि बी ए फी के अभी मास्टर तो करने का ही है, मैंडेटरी बोलते वैसे, वो एक होता है। दूसरा है कि उसको सच में कुछ तो परस्यू करना है। बहुत कम चीज़ ऐसी होती है कि बी एफ ए में कुछ चीज़ अच्छे से मिल रही हो तो उसके ऊपर हमें मास्टर्स करना है। तो ये तीन कैटेगरी, आप खुद को सवाल पूछो कि तुम्हें मास्टर्स क्यों करना है, उसका अगर सवाल का जवाब मिल गया तो मास्टर्स करो। अभी उससे फ़ायदा क्या है, अभी हर जगह पे तुम जाओ तो तुम्हें पेपर वर्क ज़रूर लगते हैं, किसी भी हालत में जाओ, आपके पास डिग्री हो तो आपको पूछता है। एक हद तक मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकता हूँ, आपका पोर्टफोलियो ये 70% काम करता है, लेकिन 30% आपका पेपर वर्क हो, आपकी डिग्रीज हो, ये काम में आती है। आपने कहा कि मेरा काम बहुत अच्छा है, मतलब कितने सारे दोस्त हैं मेरे कि बहुत अच्छा काम है, स्कल्पचर इतना बेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश उनको 12वीं में कम मार्क्स हो, जे जे में एडमिशन नहीं हुआ मास्टर्स के लिए, बी एफ ए के लिए, मास्टर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा क्ले वर्क होने के बावजूद भी उसे 12वीं के परसेंटेज के ऊपर जे जे में एडमिशन नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे? आ रहा है समझ में? तो ये ऐसा दोनों तरफ से ये खेल है। और भी और एक मतलब मैं ना फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक वो अभी तक मेरा सॉल्व नहीं हुआ है, ये जो डिप्लोमा, ठीक है, फाउंडेशन हम करते हैं, उसके बाद हम डिप्लोमा करते हैं, और फिर से दूसरा कोई बच्चा रहेगा वो डिप्लोमा करता है, सॉरी फाउंडेशन करता है और डिग्री करता है। डिप्लोमा में है चार साल का ये है एकेडमिक, और डिग्री का भी है 4 साल का। तो ये जो डिप्लोमा और डिग्री का जो फ़र्क है उसमें ऐसा क्या फ़र्क है, जो नाम से फ़र्क है लेकिन 4 साल में तो दोनों भी सिखा रहे, ऐसा क्या चेंजेस क्या अंदर? बेसिकली अभी क्या किया है, जैसे जैसे सिलेबस आगे होता जाएगा तो उसके साल ड्यूरेशन वो थोड़े कम होते जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे हाँ क्योंकि अभी जी डी आर जब भी पहले था तो उसके अंदर उससे भी पहले एक सिलेबस था जो जे जे में ब्रिटिश जब भी आए थे यूरोपियन अकेडमिक्स जब भी था तो उसका सिलेबस उसके ईयर्स अलग थे, वहाँ पे तो सिलेक्शन वाइज जाते थे। खैर वो तो अलग बात है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ तो पहले जी डी आर्ट है तो जी डी आर्ट के लिए फाउंडेशन कंपलसरी था, तो फाउंडेशन में बेसिक हमें सिखाते थे कि जो कुछ भी स्ट्रीम आपको चाहिए मतलब जो डिप्लोमा आपको करना है तो उसका बेसिक फाउंडेशन में रहता था, अभी भी है। अभी भी है, अगर आपने फाउंडेशन किया तो आपको पता होगा कि सब स्ट्रीम के छोटे छोटे बेसिक्स आपको समझ में आते हैं। तो उसके बाद 4 साल कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स आप कर रहे हो, सपोज आप अप्लाइड में जा रहे हो, आप पेंटिंग में जा रहे हो, आप स्कल्पचर में जा रहे हो, टेक्सटाइल में जा रहे हो, किसी भी इसमें जो जिस इसका डिप्लोमा हो, तो उसके लिए सब सपोर्टिव होता है फाउंडेशन। अभी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में बी एफ ए में क्या किया है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कम्बाइन किया बराबर, ताकि उनका ड्यूरेशन कम हो जाए, नहीं तो ऐसे 5 साल हम लोग ने एक हिसाब से आर्ट की ट्रेनिंग ली है ना, जैसे जी डी आर्ट मैंने फाउंडेशन +4 तो ऐसे 5 साल हो गए, तो अभी है 4 साल, तो उनका 1 साल उनका कम हो गया।
तो ये सब सिलेबस का ही खेल है बस। सिलेबस में और कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस है कि जो जैसे GDAT में कुछ चीज़ें हमें पहले ही इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो BFA में उसका एक साल बाद है। मतलब मैं पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन के कुछ और है, मतलब म्यूरल पेंटिंग है, उसके बाद क्रिएटिव ड्राइंग करके है, ये सिलेबस में GDAT में नहीं है। ओके, ऐसा तो ऐसा सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, तो वो सिलेबस अलग है इसके लिए। और दूसरी चीज़ ऐसी कि हम एस्थेटिक की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, तो सब सिलेबस वैसा ही है सीखने के लिए, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस किए अभी के हिसाब से। मेरे ख्याल से BFA का कोर्स जो है ये बहुत पहले ही आ चुका है, मतलब ये डिज़ाइन पहले ही हुआ है, शायद 90s के आसपास शायद हुआ रहेगा, मैं उतना करेक्ट नहीं हो सकता उसमें, लेकिन है ये पुराना कोर्स है, मतलब इतना भी नया नहीं है। हाँ, ये और ये जो डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा में भी 4 साल है, और उसमें फाउंडेशन का पार्ट नहीं है फर्स्ट ईयर में। हाँ, ये 4 साल अलग है, तो ये 4 साल और डिग्री के 1 साल तो पहले फाउंडेशन वो सिखाते हैं। हाँ, मतलब कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी करता है। हाँ, मतलब ये भी मैंने देखा है कि फाउंडेशन किया तो कोई बोलते कि तुम फाउंडेशन पहले करो। हाँ, तुम्हारा बेस अच्छा हो जाएगा। हाँ, एंट्रेंस क्रैक करने में ईजी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, तो फर्स्ट ईयर भी अच्छा जाएगा तुम्हारा। इसके लिए भी फाउंडेशन करते हैं, वो बेयर कर सकते शायद उनके एकेडमिक ईयर्स। हाँ, तो उसके लिए वो फाउंडेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है कि किसी को ऐसा भी लगता है कि अरे ये नहीं लगा तो एटलीस्ट डिप्लोमा में ट्राई कर लेते हैं। हाँ, इसके लिए भी फाउंडेशन कर लेते हैं। तो इसके रीजंस अभी बहुत अलग है। मैंने ये कहा ना कि अभी के जनरेशन में सब ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर से सोचने की चीज, सोचने की जो बात है ना, ये बहुत है। क्लैरिटी जो है वैसे नहीं थी कि अरे हम लोग के टाइम पे तो ऐसा ही होता था कि फाउंडेशन क्या है, तो GDRT है। अगर तुझे डिग्री करना है तो JJ में ही जाना है। तो हम लोग के पास ऐसे भी स्टूडेंट थे तभी कि उनका काम बहुत अच्छा था, लेकिन उनका एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, इतना टफ था। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ ही बैठा था, मंगेश करके, मेरे साथ फाउंडेशन में था, लेकिन उससे पहले उसने एक बार JJ की एंट्रेंस क्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे नहीं लगा। बाद में फाउंडेशन किया, उसके बाद लगा, लेकिन उसे JJ जाना था, तो उसका ये फिक्स था, अप्लाइड में चला गया वो, लेकिन उसका फोकस था कि मुझे डिग्री करना है, मुझे डिप्लोमा नहीं करना है। मेरी बात तो अलग ही थी क्योंकि मैंने 10वीं किया था, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। तब आपने सोचा नहीं था कि बाद में मुझे JJ जाना है, या फिर पता था वो टाइम पे JJ था? वो सपना होता है हर एक का कि JJ स्कूल ऑफ आर्ट में जाओ, तो बीच बीच में जाते थे। वो तो इतना कॉन्स्टेंट था कि फाउंडेशन में मैं कॉलेज छूटने के बाद ऑलमोस्ट रोज बोल सकते हो। मतलब कुछ तो मास्टर्स के जो सीनियर्स थे, मेरे अच्छे से दोस्त बन गए थे, दोस्त यानी कि वो मुझे पहचानते थे। आफ्टर कॉलेज, जब आपका कॉलेज हुआ, आपने पेंटिंग में 4 साल डिप्लोमा किया, उसके बाद आपने क्या किया? 4 साल का डिप्लोमा हुआ, उसके बाद एक अच्छी चीज़ मेरे लाइफ में हुई, वो ये थी कि वासुदेव कामत सर के पास हम लोग सब लोग जाते थे। अच्छा। मतलब संस्कार भारती हम लोग अटेंड करते थे। ओके, तो क्या है संस्कार भारती? संस्कार भारती तो एक पूरी भारत की, मतलब भारतव्यापी संगठना है। ओके। तो उसके अलग अलग प्रांत है। हाँ। तो जैसे कोकण प्रांत हुआ। हाँ। महाराष्ट्र प्रांत हुआ, ऐसे अलग अलग प्रांत है उनके। तो उसमें प्रांत में भी अलग अलग विधाएँ होती। हाँ। चित्रकला विधा। अच्छा। नाट्य विधा, भू अलंकरण विधा, ऐसे बहुत सारी विधा है, मतलब एक शाखा होती है उनकी। तो उसमें जो चित्रकला विधा है, तो उसके महाराष्ट्र या कोकण प्रांत, अभी मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन कामत सर उनके हेड थे। संस्कार भारती से कामत सर बहुत पहले से जुड़े हैं। Okay. तो उनके पास चित्रकला विधा जो है अखिल भारतीय स्तर पर उनके पास थी, है शायद अभी पता नहीं। तो उनका दहिसर में एक वर्ग चलता था हर संडे में। Okay, हाँ. तो ऑलमोस्ट ऐसा एक वो नियम था, मतलब बेमालूम सा नियम कि हर संडे है तो संस्कार भारती में जाओ लैंडस्केप करने के लिए। वहाँ पे अगर बारिश है तो बारिश में इंडोर एक्टिविटीज़ होती थी, पोर्ट्रेट होता था, पोर्ट्रेट का सेशन चलता था। Okay. जब भी बारिश ख़त्म हुई तो 4 महीने फिर आउटडोर में सेशन चलता था, उसका एक टाइम टेबल आता था। तो ऐसे हम लोग कामत सर के साथ जुड़ गए थे। Okay. और धीरे 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 काम अच्छे से इम्प्रूव भी हो रहा था। तो बाद में एक टाइम के बाद सर ने मुझे पूछा, मतलब उन्होंने एक संधि बोल सकते हैं मुझे दी कि तू असा है तर माझ्यावर काम करशील का, म्हणजे त्या उनके प्रोजेक्ट में शायद।
मेरे लिए तो सीखने की ही बात थी, तो वही होता था। तो एक हद तक उनसे जुड़ गया था, तो मुझे बाद में लगा कि मैं GDAT करने के बाद इसी टाइप के काम में चला जाऊंगा आगे। ओके, हाँ। और मैं वैसे हद तक कुछ कर भी रहा था, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन होता है ना ऐसा कि मंथली एक्सपेंसेस जो होते हैं, हाँ। वो आप कुछ भी करके फुलफिल नहीं कर पाए तो आपका किसी भी काम का नहीं है जो कुछ भी आप कर रहे हो। हाँ, और इसका हम नाटक ज़्यादा देर तक भी नहीं कर सकते। तो सिचुएशन वाइज मुझे एज एन आर्टिस्ट रहना मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था। ओके। तो मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो एक स्कूल से एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। कितने साल बाद आपकी डिग्री खत्म होने? तुरंत बाद, मतलब मैं उस विवंचना में था कि मुझे करना क्या है आगे। ओके। क्योंकि रंगोली भी करता था, पोर्ट्रेट्स के ऑर्डर बिल्डर वो सब रेगुलर, हाँ, फ्रीलांस आर्टिस्ट बेसिकली, तो वो सब चल ही रहा था, नहीं ऐसा नहीं। कितना साल चल रहा था ये तो कॉलेज से चल ही रहा था, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद तुरंत मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना ही था। अच्छा अच्छा, ओके। मतलब काम करने में कैसा है कि कॉलेज हो गया, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बीच में क्या करेंगे। और उस सिचुएशन में हम लोग जब भी विरार शिफ्ट हुए थे, हम लोग की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी थी। मैं फिर से कहता हूँ कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ये इसलिए नहीं बोल रहा कि ये कुछ मैंने किया, मेरे रीजंस ऐसे हो चुके कि जहाँ मुझे टर्न मारना पड़ा। ऐसा नहीं कि ये हुआ इसके लिए मैंने ऐसा सोचा, नहीं, इस चीज़ के वजह से कुछ डायरेक्शन मुझे लेने ही पड़े। तो उस वक्त ऐसा था कि हम लोग विरार शिफ्ट हुए, मैंने जैसे कहा कि 2011-12 के बीच में हम लोग आए, तो तभी ऐसा हुआ कि घर चलाना था, रेंट पर रह रहे थे, तो रेंट निकालना है, सब करना है, तो घर की जिम्मेदारी तो थी ही पहले से, लेकिन अब पूरी तरह आ गई थी। तो अब मंथली मुझे इनकम का सोर्स चाहिए था, तो अच्छे से मुझे एक मिल गया जॉब जहाँ पे मैंने 2.5 साल निकाले, लेकिन उस जॉब के दौरान वही अंदर खोल रहा था कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब। और मैं रोज़ काम करता था ऑलमोस्ट, और मैं आज कुछ नहीं कर सकता हूँ, थोड़े मतलब सैटरडे संडे निकाल के मैं काम कर रहा हूँ, ये सब हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा था तभी। तो 2.5 साल मैंने जैसे तैसे निकाले, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। क्या करते थे वो जॉब में आप? उस जॉब में ड्राइंग टीचर था मैं, प्रॉपर स्कूल में बच्चों को सिखाता था, छोटे बच्चों को, मतलब हम लोग माध्यमिक कह सकते हो उसे, मतलब 5th to 8th standard, मतलब हायर सेकेंडरी नहीं था मेरे पास, सेकेंडरी था, तो वहाँ पे सिखाता था। और उनके जो कुछ भी काम हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, मतलब वहाँ पे हम लोग 8 ड्राइंग टीचर थे मिलके, तो इतना वहाँ पे काम होता था, 8 ड्राइंग टीचर्स, तो उनको मैं एज ए हेल्पर पहले लगा। तो मेरा इंटरव्यू इस तरह हुआ कि मैंने सब मेरे काम में लेके गया, मैं वहाँ पे पोर्टफोलियो लेके गया, तो मुझे मतलब एक कहा गया था कि तुझे सगळं पोर्टफोलियो व्यवस्थित घेऊन ये, जे असेल ते सगळं काम आण, तो मैं वैसे लेके गया, उन्होंने देखा वो सब, अरे बहुत अच्छा काम है वगैरह, आपने सर को असिस्ट किया है, कामत सर को असिस्ट किया है, वेरी गुड वगैरह, आप थर्माकोल में काम करना जानते हो क्या? इतना काम किया वो नहीं चाहिए, दूसरा ही चाहिए। एक जो इक्का उन्होंने डाला, नहीं मैंने थर्माकोल में ऐसा काम नहीं किया, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही काम चलता है, डेकोरेशन वगैरह सब चलता है, ये तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। बोले ठीक है, वो बोर्ड्स वगैरह, ब्लैक बोर्ड वगैरह लिखना पड़ेगा। अरे बोलो वो तो अपना ही खेल है, बोलो हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। तो ये थर्माकोल विर्माकोल से मेरा पाला धीरे धीरे पड़ने लग गया। तो स्कूल के जॉब में यही, ये भी क्लियर बोलता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अभी के जनरेशन में जो हम लोग देखते ना कि स्कूल की डायरेक्शन, मतलब जो होती है उनकी स्टूडेंट एज, वहाँ पे अच्छे से क्यों नहीं मिलता? तो अगर हम कुछ अच्छा पढ़ाना चाहते भी हो ना, तो ये अलग चीज़ के काम में हम लोग को ऐड किया जाता था। तो फिर कैसे स्टूडेंट को इंटरेस्ट क्रिएट होगा आगे जाके आर्ट परस्यू करने में, है ना? उनके पास, वो स्टूडेंट के पास चांस था इतना, मतलब सर से इतना वो सीख पाते थे वो टाइम पे। बात भी ऐसी हुई कि मतलब मैं ये पूरा भी नहीं कह सकता, वहाँ पे जो 2.5 साल मैंने निकाले, मेरे पास जो स्टूडेंट थे, तो मैं मेरी कुछ जो बोलते हैं ना खुजली बोल सकते हैं, वो वहाँ पे स्कूल में करता था कंप्लीट, कि मैंने ड्राइंग उनको सिखाया, वो भी करते थे, तो बीच बीच में स्केचेस करता था, कुछ स्टूडेंट के ड्राइंग्स करता था, पोर्ट्रेट्स करता था, तो वो इस हद तक अच्छा सा फैलने लग गया कि जो भी क्लास में जाता था तो उनको लगता था अरे सर आज कौन सा पोर्ट्रेट, सर आज किसका करे हुए,
तो पहले आता था फोटो, ये वर्ड आता था कि सर किसका फोटो निकालोगे, वो बाद में धीरे धीरे उनके मुंह में कि सर किसका स्केच निकालोगे, सर किसका ड्राइंग करोगे। तो मेरे पास उसके है, मैं कभी तो पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे। संस्कार होने लगे बच्चों पे। हाँ, एक हद तक हम बोल सकते हैं। मैं पूरा नहीं बोल सकता कि जो कुछ भी क्लास है 50 का या जो 40 का क्लास है उसके अंदर सब अच्छे से करते थे किसी को ड्राइंग, आपको पता है सबको कि पूरे स्कूल में 2-3 बच्चे निकलते हैं एक एकेडमिक ईयर में। हाँ, तो ये क्लास में भी 2-3 बच्चे मेरे से अच्छे जुड़े थे, मैं भी उनसे जुड़ा था, ऐसे करते करते वो भी फेज निकल गया। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, फिर डीपेड ज्वाइन किया। वो भी इस कारण के लिए कि जेजे में एक साल मुझे मिले, मतलब मेरे परसेंटेज भी थे मेरे, तो उस हद से मेरे हो गए क्योंकि अभी जीडीआर पहले हो चुका था, तो उसके बाद 4 साल में गैप था बीच में, तो उसमें परसेंटेज कट होते थे मतलब। हाँ, बराबर, कि तुमने इतने साल निकाले तो तुम्हारे परसेंटेज कट करके फाउंडेशन के मार्क्स नहीं, इसके जीडीआर फाइनल एग्जाम के डिप्लोमा के, तो ऐसे करके जेजे में भी मेरा एडमिशन हुआ। तो एक साल जेजे में भी बहुत मस्त एंजॉय किया, काम किया और हाथ में मतलब काम एज सच वो मैनर में नहीं किया, लेकिन जो भी कुछ किया मज़ा आया, अलग एक्सपीरियंस था, जेजे का अलग एक्सपीरियंस था और मुझे वो लेना था, इसके लिए मैं वहाँ पे गया था, वो भी हो चुका। और उसके बाद तुरंत मुझे अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे मैं पढ़ता था वहीं पे रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट में, तो वहाँ पे मैंने अप्लाइड आर्ट में और फाइन आर्ट में ऐसे दोनों इसमें पढ़ाया। दो दिन मेरे अप्लाइड आर्ट में थे, वो भी ऐसा जॉब आया कि अरे ऐसा आए तो जॉब कर शिल का, तो मतलब अरे कोई बात नहीं, मैं तो कॉलेज में ही पढ़ाऊँगा, मज़ा है, सही है। और पढ़ाने से भी अच्छा मुझे कॉलेज में जाने मिल रहा है, ये एक सुकून की बात थी जिस चीज़ के लिए हम लोग वेट करते हैं वैसे, तो मैं जाने लगा। लेकिन अप्लाइड आर्ट को ड्राइंग सिखाना है, अरे पेंटिंग में नहीं है, नहीं पहले अप्लाइड में सिखाना है, तो ठीक है। तो अप्लाइड में ड्राइंग सिखाता था सोमवार मंगलवार को, उसके बाद बुधवार गुरुवार शुक्रवार, ये 3 दिन मैं फाइन आर्ट में असिस्टेंट था, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में खाली असिस्टेंट था हमारे जो प्रोफेसर है उनको। तो एक साल वहाँ पे जॉब मैंने किया, मतलब वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही था। उसके बाद तुरंत 2016 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जहाँ पे अभी मैं हाल में पढ़ा था वहाँ से ओपनिंग थी, तो मैं भी वहाँ पे पोर्टफोलियो लेके गया, वो पोर्टफोलियो के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ मेरा, और तब से और तब तक मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। ओके, 2016 से। 2016 से। ओके, और तभी वो कॉलेज बना? नहीं, उससे पहले बना, वो पहले से था। हाँ, पहले से एस्टेब्लिश है। ओके। तो अभी भी हम लोग जहाँ पे काम करते हैं, मेरे सब कलीग हमारे आसपास के ही है, मतलब मेरे ही कॉलेज से है कुछ, कुछ जे स्कूल ऑफ आर्ट से है, कुछ दूसरे कॉलेज से भी है, लेकिन हमारा आसपास का ही एक है, मतलब ईयर पासिंग, तो वो भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हर चीज़ एक समय समय के लिए होती है, तो तुम उस तरह से मोल्ड होते जाते हो, उस तरह से तुम्हारा काम की भी दिशा बोल सकते हैं हम, वैसे टर्न होती जाती है। तो मतलब डिप्लोमा हुआ, उसके बाद 2 साल आपने जॉब किया, उसके बाद डीपेड किया, उसके बाद आपने यहाँ पे टीचिंग किया, और उसके बाद यहाँ पे 2016 में। तो डिप्लोमा कब ख़त्म हुआ था आपका? 2011 को। ठीक है, तो 5 साल जो स्ट्रगल पीरियड था उसके बाद अभी आप शांत हो, प्रॉपर एक जगह पे शांत, मतलब अच्छे मायने में शांत हूँ। क्योंकि वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं आर्ट कॉलेज में हूँ, आर्ट कॉलेज में सिखाने के लिए मुझे काम करना पड़ता है, मुझे अपडेट होना पड़ता है। स्टूडेंट को कुछ पता नहीं है या उनको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा ग्रांटेड पकड़ के मैं अगर कुछ भी उनको बोल दूँ तो ये मेरे फील्ड से प्रताड़ना करने जैसी होगी, तो वो नहीं होता ना अच्छी बात। और दूसरा ये भी मुझे खुद को एंगेज रखना अच्छा लगता है उस काम में, उस हद से भी स्टूडेंट भी एंगेज हो जाते हैं कि अरे ये भी काम कर रहे, चलो हम लोग भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे रुकते हैं हम लोग। कॉलेज का समय जो है 3:30 के बाद भी हम लोग काम करते हैं, स्टूडियो हमारा ओपन है, हमें अच्छी फैसिलिटी वैसे ओपन करके दी है कि तुम 3:30 के बाद भी वहाँ पे काम कर सकते हो। स्टूडेंट भी है, उनको भी परमिशन है कि तुम अच्छे से काम कर सकते हो वहाँ पे, ये माहौल होना चाहिए। तो वही हो रहा है, जो भी चीज़ होती है धीरे धीरे डेवलप होती है, तो जो हो रही है वो अच्छे डायरेक्शन में हो रही है, इसका आनंद है।
मतलब मुझे ना जब मैंने वासुदेव कामत सर का सर के साथ पॉडकास्ट किया था तब उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जो भी एक आर्टिस्ट होता है वो सिर्फ कॉलेज किया है और उसके बाद वो आर्टिस्ट हो गया ऐसा नहीं। प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट का उन्होंने एक डेफिनेशन बोला था वो लिटरली आपके साथ वो मैच होता है। क्यों? क्योंकि ना मैंने आपको देखा है आपने आपका काम मतलब अगर आप जॉब करते कहीं और तो भी चलता था लेकिन आप कॉलेज में सिखाते हो वहाँ पे तो सिखाते हो लेकिन उसके साथ आप बाहर भी एक्टिव होते हो आर्ट जो भी प्रोग्राम्स होते हैं बाहर तो मैंने वहाँ पर भी आपको देखा है आपने डेमोन्स्ट्रेशंस करते हो साथ में काम के साथ में आप आर्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हो तो उन्होंने यही लाइन कही थी कि प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट रहना चाहिए आप भले काम कुछ भी करो लेकिन आपका काम आर्ट का चलता रहना चाहिए ऐसा तो ये एक फिट बैठता है आपको। स्टूडेंट्स के बारे में बताओ स्टूडेंट्स आपका और स्टूडेंट्स का कैसा रिलेशन है आपसे स्टूडेंट्स आके क्या बातचीत करते हैं? स्टूडेंट्स से मतलब मेरा स्वभाव अभी ये तो मेरे दोस्त ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं मैं बहुत ही मतलब सीरियस किस्म का इंसान नहीं हूँ एक मैं क्लियर बोल सकता हूँ सीरियस है नहीं कि मैं आपसे एकदम ऐसे बात कर रहा हूँ ऐसे ये सब छोड़ दीजिए लेकिन मेरा रवैया दोस्तों से कैसा है उसी तरह स्टूडेंट से है तो ये स्टूडेंट आपको ज़्यादा मेरे पीछे भी बोल सकते हैं इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि ये नेचर की बात है कि तुम्हारा नेचर कैसे होता है तुम उस तरह से बिहेव करते हो ऑलवेज तुम अगर फेक हो तो वो फेक चीज़ कितने दिन तक चलेगी तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा जो नेचर है उसी नेचर से तुम अगर कायम रहो तो कभी प्रॉब्लम नहीं होता तो वही टीचिंग में मेरा एक मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरा प्लस पॉइंट होता है कि मैं उस हद तक जाके उनसे बात करता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो सामने से समझ में आता है कि अरे ये प्रॉब्लम है मुझे जो आ रहा है मैं उनको बोलूँ यही करो वही करो और उसकी कैपेसिटी वो नहीं है तो वो क्या करेगा बच्चा तो उसके लेवल पे जाना चाहिए ना उसके हद तक पहले जाओ समझो उसको कि वो क्या करना चाहता है उसके पास क्या एबिलिटी है नहीं है फिर जाके उधर से उसको निकालो ये कोशिश है उसमें अपना स्वभाव साथ देता है। अगर मैं ऐसा गंभीर चेहरा लेके बैठूँ या एकदम टिपिकल मतलब ये करना है वो करना है वैसे करूँ तो शायद मुझे नहीं लगता हो और आर्ट कॉलेज का एटमॉस्फेयर ऐसे नहीं होना चाहिए ये मेरा पर्सनल मानना है और मैं तो वैसे नहीं रखता जिस चीज़ के लिए सीरियस होना चाहिए वहाँ पे सीरियस हूँ बहुत अच्छी तरह से सीरियस हूँ वहाँ पे लेकिन जहाँ पे अच्छे एंजॉय करना चाहिए अपने को वहाँ पे एंजॉय भी कर लेता हूँ। किस किस पार्ट में आप सीरियस हो और किस पार्ट में आप काम के बारे में कहूँ तो मेरा इतना ही है कि जब भी कुछ काम कर रहे हो काम के समय पे काम मज़ा के समय मज़ा मज़ा करते हो काम नहीं करना है लेकिन काम करते हो मज़ा नहीं करना है हाँ अपने आप में करो अपने आप में मज़ा करते करते काम करो उस काम में मज़ा करो वो सीरियसनेस अगर आप में आ जाए तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हो ये चीज़ मुझे और ये मैं वही बोलता हूँ कि ये मेरा नेचर भी किस तरह डेवलप हुआ हम भी हमारे सीनियर से ही कुछ देखते थे सीखते थे कितने आज आजू बाजू आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो भी देखते हैं उनका भी एक कॉलेज का लाइफ है जर्नी है उनका हम लोग ऑलवेज सबसे इंस्पिरेशन लेते हैं ना तो ये इंस्पिरेशन लेके कुछ ना कुछ चीज़ें इकट्ठा होती है तो अपनी पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप करने में आसानी होती है बन जाती है मैं ये नहीं बोल सकता कि हम पर्पसली करते लेकिन ये धीरे धीरे हो जाता है तो वो मेरा रिलेशन उनसे ऑलमोस्ट फ्रेंडली है कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स के साथ तो वो फ्रेंडली नेचर होने के वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। आपके लाइव जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं मैंने एक अटेंड किया था अभी आपने थाने में आके जो किया था आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के और तब मैंने देखा कि आपके जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस रहते हैं वो बहुत फास्ट करते हो तो इतना जो एक्यूरेसी और इतना फास्ट करने की आपकी जो स्टाइल है फुल और मैं सबको कहना चाहूँगा कि ना वो डेमोन्स्ट्रेशन में सब लोगों ने पोर्ट्रेट करने को लिया था लेकिन सर ने ना फुल फिगर किया और वो भी पोर्ट्रेट से पहले ख़त्म किया तो ये जो फास्ट आप करते हो उसके पीछे मतलब क्या राज है मतलब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है प्रैक्टिस तो की होगी ऑब्वियस है पर थोड़ी ना प्रोसेस बताइए कि इतना फास्ट कैसे कर लेते हो आप ऐसा
ये कैसे बोलूँ, मतलब वो थोड़ा सा टफ है ये सवाल एक्सप्लेन करने में भी। पेंटिंग के मैं बारे में आपको बोलता हूँ कि कभी कभी ऐसे लगता है, अभी तुम भी आर्टिस्ट हो तुम्हें पता है, कभी कभी एक अच्छा मॉडल दिख जाता है तो तुम्हें वो अच्छा मॉडल किस वजह से अच्छा लगता है ना, वो चीज़ तुम्हें पेंट करनी होती है, बस तुम उसी के लिए पागल होते हो। तो उस पागलपन में सच मायने में बोलूँ तो नहीं समझ में आता मुझे कितना टाइम लगता है, कितनी देर में उसका मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस की बात है, प्रोसेस में आप जैसे जाओगे ना, ऐसे भी पेंटिंग्स होते हैं कि जो एक सिटिंग में नहीं होते, लेकिन कुछ पेंटिंग ऐसे भी होते हैं कि जो 2 घंटे में भी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो उस वक्त की बात है। डेमोन्स्ट्रेशन के भी अलग अलग मायने हैं। अब उसे मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इवेंट बोल सकता हूँ उसे, कि वो एक इवेंट था। अभी उस इवेंट में मुझे पेंट करना था, मुझे ऐसे ब्रीफ दिया गया कि तुम्हें वहाँ पे जाके पेंट करना है, चलो ठीक है, तो पेंट करने के लिए मॉडल आपको देखना है। तो मुझे इंस्टेंटली, मैंने मॉडल दूसरा सिलेक्ट किया था, मैंने एक लड़के को पूछा था, तो लड़का बोला कि हाँ चलेगा मुझे, प्रॉब्लम नहीं। और उसी में सडनली वो मुझे वहाँ पे वो लड़की दिखी, उसके फीचर्स बहुत अच्छे थे, तो मैंने बोला कि, और पता नहीं चलता कभी कभी एक वही लड़की शायद अलग लाइटिंग में थी, अगर रहती तो शायद पेंटिंग उसका नहीं होता, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में मुझे वो दिखी, बोला कि ये अच्छा पेंटिंग हो सकता है, ऐसा एक इंस्टिंक्ट आया, बोला कि चलो इसे बिठाते हैं। मैंने पूछा उसको, हाँ अब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर मैं मेरे हिसाब से 4-5 घंटे तो नहीं ले सकता, तो मेरे लिए भी एक समय की कुछ तो आउटलाइन थी, फ्रेम थी, तो उसके अंदर मुझे काम करना है, ये एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, बस वो भी कारण हो सकता है दूसरा जो तुमने पूछा अभी कि फास्ट कैसे हो सकता है। और तीसरी चीज़ ऐसी कि कुछ चीज़ आप करते 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 आपके हाथ से आराम से आ सकती है। मैं क्लेम नहीं करूँगा कि ये ऑलवेज आएगी, लेकिन कुछ हद तक वो इंट्यूशन, वो प्रैक्टिस और वो एक कोऑर्डिनेशन होता है, वो उससे आ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता, मैं अभी तुम बोलो मुझे आज इसका पेंटिंग करो तो वो सक्सेसफुल पेंटिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पेंटिंग बन जाएगा, लेकिन वो मेरे मन से कितना होगा, वो मेरे लाइकिंग से होगा या कुछ अलग अलग चीज़ें, वो क्लेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये पेंटिंग है ना, वो प्रिंटिंग नहीं है ना, ऐसा तो वो चीज़ भी है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये इवेंट, यहाँ पे जो पेंटिंग होता है, कुछ भी होता है, वो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन से एक बार हो गया तो मराठी में बोलते हैं ना भट्टी जमणे, तो ऐसे एक बार भट्टी हो गई, जल गई, उसमें हो जाता है फिर। सो इस पॉडकास्ट में ना बहुत ही बेसिक सवाल भी मैं कभी कभी पूछता हूँ, आगे भी पूछूंगा, तो वो उस वजह से नहीं कि मुझे वो पता नहीं या फिर ऐसा कुछ, जो देखने वाला है शायद उनको नहीं पता रहेगा, तो उनको भी थोड़ा सा बेसिक सवालों के भी आंसर्स मिले। तो अगला सवाल ये है कि ना जब हम पोर्ट्रेट करने बैठते हैं तो आप कॉलेज में सिखाते हो, कभी कभी ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनके पोर्ट्रेट, जैसे हम बहुत ही अर्ली स्टेज में जब हम पोर्ट्रेट करते थे तब हम सिर्फ स्किन टोन मारते थे, मतलब एक समझो एक बच्चा है वो उसके क्रेयॉन्स के कलर्स में अगर स्किन कलर है तो उसके फेस में वो सिर्फ स्किन कलर ही मारेगा, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसमें थोड़ा सा ऑरेंज बाजू से ऐसा कवर से वो करते हैं, उसको थोड़ा मिक्स करते हैं फॉर शेडो, ऐसा तो ऑरेंज और स्किन टोन ऐसा मिक्स होने के बाद थोड़ा सा 3D-ness दिखे, और धीरे धीरे हम कॉलेज में आते हैं फिर हमें और कलर टोन्स पता चलते हैं कि स्किन में ग्रीन होता है, पिंक होता है, वॉयलेट होता है, ऐसे बहुत सारे कलर्स होते हैं स्किन में। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टूडेंट्स को धीरे धीरे समझ में आते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट होते हैं जिनको वो टोनल वैल्यूज़ नहीं समझ में आते, तो उनके लिए आप थोड़ा बताइए कि तो जो सामने पोर्ट्रेट के लिए मॉडल बैठा है उसके फेस पे हमें बहुत से कलर्स दिखते, जब हम एक अच्छा अच्छे बहुत सारे पोर्ट्रेट में हम कलर्स निकालने शुरू करते हैं, जैसे कि आप आपके पोर्ट्रेट्स में फुल डार्क टोन से लेके लाइट टोन तक वो रहता है, एक आपके पेज पे एक है वहाँ पर आपने फुल फिगर पेंट किया है और यहाँ पे उसके माथे पे वाइट पैच मारा है प्रॉपर, तो इतने सारे कलर्स वाइट टू लेके फुल डार्क टोन तक इतने सारे कलर्स किए, लेकिन अगर हम एक सिखाने के लिए किसी वीक स्टूडेंट को जिसको कलर टोन्स नहीं निकालने आते
तो उसने दो तीन टोन में कैसे करे, मतलब एक पोर्ट्रेट है सामने बैठा है मॉडल, उसको एक फेस पे 3D-ness लाना और उसको एक अच्छा खासा एक टोनल वैल्यू भी वो कर पाए, तो ऐसा क्या आप स्टार्टिंग में कर सकते हो? बेसिक तो ये है ऑलवेज कि कोई भी ड्राइंग करें, पोर्ट्रेट का हो फिगर का हो, बेसिक्स सबको आने चाहिए, वो पहली रिक्वायरमेंट ही है उसकी। तो अभी पोर्ट्रेट करना है तो पहले उनको आइज़, बाद में नोज़, लिप्स, ईयर, ये सब उसका अंडरस्टैंडिंग पहले होना चाहिए। एक दूसरा कि फेस स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी कुछ एनाटॉमी है, उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर है इसका पर्टिकुलर, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि शेड एंड लाइट जो होता है वो उसी के ऊपर बेस है ना। विदाउट एनाटॉमी, विदाउट कुछ फेशियल, जो एक हम बोलते हैं ये फीचर्स जो है, ये तो सब ऊपर का पार्ट है, लेकिन उसके अंदर का भी एक पार्ट होता है, तो ये सब ड्राइंग में कवर होता है। ये सब सेंस जो होता है बेसिक उसको आना चाहिए। रही बात कलर की, तो कलर का भी ऐसा है कि जो हम फाउंडेशन में सीखते हैं ना कलर व्हील देखने में सिंपल चीज़ लगती है कि अरे हाँ इसमें कौन सा, अभी भी मतलब ये थोड़ा सा हंसी के लिए भी हो सकता है पार्ट, लेकिन ये सीरियस इशू भी है। अभी भी किसी फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी फटक से पूछो कि बेसिक कलर कौन से है, उसे नहीं आते बेसिक कलर, मतलब प्राइमरी कलर कौन से, उसके बाद सेकेंडरी कौन से, फिर टर्शरी कौन से, ये अभी भी पूछो ना तो नहीं आते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर गौर नहीं किया होता है। और कलर हम लोग जो यूज़ करते हैं उनको लगता है कि कलर मिक्सिंग करने से होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। कलर व्हील आपको समझ में आना ही चाहिए। कलर व्हील जितना फोकस करके आप सीखेंगे ना, आगे जाके आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने अभी पूछा कि पहले वो स्किन टोन, फ्लैश टिंट का एक क्रेयॉन आता है, उससे वो सब फिलअप करते हैं, बाद में आउटलाइन करते हैं, तो धीरे धीरे जाके उनको समझ में आता है। तो ये समझने की जो बात है ना, धीरे धीरे जाके कि अरे उसको थोड़ा सा ऑरेंज भी करेंगे, थोड़ा सा येलो भी करेंगे, तो किसी ना किसी का तो उसने देखा होगा कि अरे स्किन में ये भी कलर जाता है। तुम बिलीव नहीं करोगे, अभी भी कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं, सर स्किन टोन कैसा बनवाएसा, ओके फॉर्मूला है क्या कुछ? ओके मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास कभी ऐसा नहीं होता, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ, मैं पर्सनल तुमको शेयर करूँगा, चलेगा। तो इसके पीछे रीज़न है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे भी स्टूडेंट्स है कि इसका फॉर्मूला क्या है, डार्क स्किन के रंग कैसे बनवाए थे, डार्क स्किन के कलर कैसे बनाए, तो ये सवाल आते ही कैसे है अगर बेसिक में प्रॉब्लम हो। तो यही है कि कोई वीक स्टूडेंट है तो वो क्यों वीक है इसकी पहले उसका चेक करो कि वो वीक क्यों है। और ये चीज़ ऐसी है ना कि मुझे इसके लिए कभी कभी लगता है ना कि जो संगीत विधा है ना इसी के लिए एप्ट है, क्योंकि ना तुम वहाँ पे कुछ भी करो तुम नाटक नहीं कर सकते। तुम्हें अगर सा आता ही नहीं है तो तुम्हें कोई सिंगर नहीं बोलेगा, और तुम जब तक सा नहीं लगाओगे तब तक आगे भी नहीं जाओगे। वो लंबा सा कुछ भी हो, बेसिकली सारे गम पद निशा जो है ना, सात स्वर जो हमें बेसिक मालूम है किसी भी आदमी को, काय रे वो काय बोले सारे गम पद निशा उसको तो पता है, लेकिन वो असल में कैसे आने चाहिए कंठ से, अगर ये नहीं कोई कर सकता तो आगे भी नहीं जाता। वैसे हमारे पेंटिंग में कुछ चीज़ें हैं क्या, अनफॉर्चुनेटली उसे वैसा दर्जा नहीं मिला है, इसके लिए ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और फाउंडेशन में बताते भी है, अभी फाउंडेशन में डिज़ाइन किया हम लोग ने, फाउंडेशन में कलर व्हील किया है, तो उसे कहो कि इसको प्राइमरी कलर से अलग करे, सेकेंडरी कलर अलग करे, फिर टर्शरी कलर अलग करे, फिर उसकी कलर स्कीम को ज़रा चेक करो, एनालॉगस, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री कलर, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट, ये सब आते रहता है। तो कौन इसके ऊपर गौर करता है? दिखने में क्या लगता है कि अरे तुम तो अकेडमिक्स में हो तुम यही बोलोगे, लेकिन ये सब हमने किया ही है ना सब आर्टिस्ट लोगों ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेडमिक्स में है इसके लिए, कोई भी पास आउट आर्टिस्ट हो उसने ये सब किया है, लेकिन इस कलर व्हील को सीरियसली कौन लेता है? इस कलर व्हील का सही मायने में पढ़ाई क्या है कभी देखा है, कभी सोचा नहीं, अगर वो किया तो समझ में आता है। एक ग्रे स्केल की जो पट्टी होती है हमको, उस ग्रे स्केल को क्रिएट करने के लिए हम लोग ने कितने पेपर वेस्ट किए रहेंगे उस एक्यूरेट शेड के लिए, क्यों? क्योंकि वो एक्यूरेट आना ही चाहिए, तब जाके दूसरी असाइनमेंट होगी।
यही बेसिक है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक आगे का ये प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे, 2070 तक आते रहेंगे, कि स्किन टोन कसा बनवायचा, लाइट कसा काढायचा, तो ये आएंगे ही आएंगे। सो अगर आपको फाउंडेशन में अगर टीचर और आपके जो भी सर रहेंगे वो कह रहेंगे कि ये जो कलर व्हील है, कलर थ्योरी की जो बुक है, हाँ उसका पार्ट है, पूरा कलर थ्योरी का बुक है, पूरा पूरा फाउंडेशन एक्चुअली अभी भी जब कॉलेज में, हाँ बराबर, हाँ तो वहाँ पर भी हमें बताते हैं कि फाउंडेशन पे ही ध्यान दो, बाद में जाके आपको यही सीखने का। और मैं बहुत, हाँ बराबर, मैं अभी भी ना फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे कुछ दोस्त हैं, तो उनको मैं पूछता था कि यार कैसा है तुम लोग का, क्या चालू है कॉलेज में, जे के ही बहुत सारे दोस्त हैं, तो उन्होंने, उनका वही रहता था कि अरे हमें जो फाउंडेशन में सिखाते थे ना वही यहाँ पे अप्लाई होता है, और उनके भी जो तकलीफ वहाँ पे भी अगर समझो उनको प्रॉब्लम होती रहेंगी कि सिखाना और वो सब, तो वो कहते थे कि फाउंडेशन में जो सिखा है ना, और ख़ासकर मॉडल, तो आपको पता है मॉडल का कितना नाम वो है, तो लगा हुआ है अपना, हाँ तो उधर जिस प्रकार से सिखाते हैं, तो वो हमेशा मेरे साथ वो शेयर करते हैं कि वहाँ पे जो सिखा है ना वही अगर लगा के रखेंगे ना अच्छे से, तो अपने आप अपना काम अच्छा होएगा। सो यस, तो फाउंडेशन पे ध्यान दो, बाकी अपने आप आपका होगा। और सर एक, व्हाट इज आर्ट, आपके लिए आर्ट क्या है? अब इसका बहुत खतरनाक आंसर देना है या कुछ ऐसा मेरे सच में नहीं है, एक लाइन में माइंड में क्या आ रहा है आपके लिए? निरंतर साधना, क्योंकि तुम अपने आप को फंसा नहीं सकते। तुमने अच्छी अच्छी मेरे लिए बातें कही कि आपका ड्राइंग अच्छा है, आपका पेंटिंग अच्छा है, ठीक है, मैं इसी में 10 साल रहूं तो चलेगा? ओके, ये जो काम आपका है अभी, तुमने अभी मेरी तारीफ की, मैं उसी तारीफ में ऐसे मस्त, हाँ रे क्या बात है, क्या बात है, 10 साल 10 साल तो 10 साल मैं ऐसे ही गुजारूंगा कुछ किए बगैर, तो वही आर्ट रहेगी मेरे हाथ में? नहीं, बस तो ये निरंतर साधना की चीज़ है। कोई भी आर्ट फॉर्म, मैं ये नहीं कहता पेंटिंग, कोई भी आर्ट फॉर्म हो वो निरंतर साधना का विषय है। उस हद तक वो जाएगा तो उसके रिटर्न्स अपने आप मिलते हैं। और ये मेरी बात नहीं, हमारे जो पीछे गए सब आर्टिस्ट हैं, ये उनका अनुभव है, उन्होंने यही किया है, हम उन्हीं से तो सीख रहे सब, यही चीज़ है, एग्जैक्टली यही चीज़ है, निरंतर साधना, इसी एक परिभाषा में सब आ गया वहाँ पे। क्योंकि मेरे लिए आर्ट दूसरा है क्या? एक थोड़ा सा और आगे जाऊँ तो बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए 2 मिनट नहीं लगेंगे ना, ये फील्ड छोड़ना है, छोड़ दिया, किराना माल के शॉप में दूसरा जॉब कर लिया, मैकडी में जाके वो बेचने लग गया, कुछ भी हो तुम कहो वो जॉब, ये छोड़ के सब किया, तो फिर इसका मतलब क्या है? तो ये साधना है ना, डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी है, डेली बेसिस पर इसका धीरे धीरे चालू ही रहता है, वो प्रोसेस है ये। और एक सामान्य, एक आम आदमी और एक आर्टिस्ट में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? बेसिक है कि एक भगवान ने कुछ तो दिया है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी एक अलग सेंस बोल सकते हैं, कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कोई बोलेगा अरे यार पायला ऊन लगते रे खूब, मैं ये सोचूंगा अरे लाइट कितना अच्छा आ रहा है, बस यही फर्क है, बस यही फर्क है, पॉइंट है बस यही फर्क है इसमें, बाकी कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं, कोई सामान्य आदमी ये भी बोल सकता अरे लाइट फार छान है तो, लेकिन उसके जहन में शायद वो दूसरी बार आया होगा, कोवळा होऊन त्याच्या शब्दांमध्ये काय असेल ते असेल, पण ते म्हणतात ना त्या ट्रेनिंग मुळे कदाचित, की तुमचं शिक्षण, सॉरी हिंदी, की आपके ट्रेनिंग के वजह से शायद वो आपके दिमाग की मतलब मोल्डिंग ऐसे हो चुकी रहेगी कि शायद आपको ये चीज और ज्यादा दिखे। मैं तो ये बोलता हूँ कि तुम स्कूल डेज में जाओ, छोटे मतलब तुम्हारे बचपन में जाओ, तब भी तुमको कोई ना कोई एक चीज़ अट्रैक्ट वैसे ही करती रहेगी जो तुम्हारे दोस्तों को अट्रैक्ट नहीं की होगी। आर्ट का सेंस आपका हर समय रहता रहेगा। तुम कहीं कहीं भी जाओ तो मतलब, मैं और मेरी वाइफ जब बात करते हैं, अभी कल परसों ही हुआ था कि वो जो प्लास्टर मिक्स कर रहा है या कुछ सीमेंट मिक्स कर रहा है उसे भी हम लोग ने देखा है, तो ये कॉमन चीज़ ऐसे निकली। तो ये चीज़ होता है कहीं ना कहीं, ऑब्जर्वेशन करना कुछ। मेरे बचपन में ऐसा था कि अरे किधर से भी जाओ, गणपति का कारखाना दिखा तो उधर खड़े रह जाओ, तो कोई हाथ अरे चल आता घर ही जाए से। तो ये मैं भी ये सोचता था, तो मेरे बाकी के दोस्त क्यों नहीं करते थे? तो ऐसा अलग एक पार्ट होता है, किसी की रुचि अलग होती है, किसी की संगीत की रुचि होती है,
किसी की और कुछ रुचि होती है, कोई गणित में अच्छा है, हम गणित में अच्छे नहीं थे, लेकिन जो गणित में अच्छा है तो वो आगे अच्छे मार्क्स लाया और वो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा है, मेरा ही दोस्त। अच्छा, तो मेरी रुचि गणित में क्यों नहीं गई, तो मैं उसके लिए आम हूँ, वो उसके लिए स्पेशल है। हम अपने आप में एक दूसरे के लिए सब है ही, हम बस तुम कला की बात कर रहे हो, पेंटिंग की बात कर रहे हो, तो ये फर्क मैं बोल रहा हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। आपने अभी बताया कि आपके वाइफ के बारे में, तो थोड़ा मतलब मेरी वाइफ अप्लाइड आर्टिस्ट है, इलस्ट्रेटर है वो। ओके। और अभी हाल ही में वो एनिमेटर भी है, उसमें भी काम कर रही है, ग्राफिक में काम कर रही है। ओके। और ऑरलैंडो बेस एक कंपनी है, उसमें वो जॉब कर रही है। ओके। इंडिया बेस उनका है। अच्छा, इंडिया बेस। हाँ, तो उनके अंदर उसका जो है डिजिटल में काम है उनका। आप कैसे मिले? ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है बाद में, इफ यू आर कम्फर्टेबल। यार कम्फर्टेबल तो काय नाही, झालं आता लग्न, 4 वर्ष झाली आमच्याला। ओके। तो हम लोग मिले जहाँ पे मैं पढ़ा था वो वही की स्टूडेंट थी। ओके। तो जब भी हम लोग मिले वो 3rd ईयर में थी, उसके बाद फाइनल ईयर में, और उसके बाद पास आउट। तो मैं जब भी वहाँ पे था तभी से ही हमारा रिलेशन डेवलप हुआ था। ओके। उसके बाद जाके हमने शादी की। ओके। तो वो भी एक अलग फेज है। मतलब मैं कौन सा, मैंने वो अभी तक पॉडकास्ट रिलीज नहीं किया, आचार्य अपने अभिषेक आचार्य, तो उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहा था कि वो जेजे में थे और ये आई थिंक वो कुछ और ही करते थे। हाँ, तो ऐसे ही कुछ नाटक देखते समय उनके बाजू के सीट में वो बैठे थे, तो वो लड़कियों का ग्रुप अलग था और इनका अलग था, तो वहाँ पर वो मिले और उसके बाद उनका मिलना हुआ। और वो इतने बार जेजे में आती थी उनसे मिलने कि उन्हें लगता था कि उनके दोस्तों की ये जेजे के ही है, तो वो उन्होंने मस्त स्टोरी उसमें बताई है। तो उनका भी ऐसा एक रिलेशन था। आपका कभी मन नहीं करता डिजिटल में काम करना या फिर उसमें जॉब करना आगे? क्योंकि कैसा है, एक आर्टिस्ट होता है उसके मन में ना ये होता ही है कि कुछ नया ट्राई करूँ। तो ऐसे कुछ आपके मन में आता है क्या, कुछ नया डिजिटल सीखूँ, नए काम, जो प्रोजेक्ट कैसा है? अभी डिजिटल में जितना काम आगे आ रहा है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है और क्रिएटिविटी की लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब जो हम कैनवास पे अगर काम करना सोचते हैं कि एक A3 साइज़ का कैनवास है, तो उस पर हम जो काम करते हैं उसमें सिर्फ उतने साइज़ में जितना बैठ सकता है उतना हम बिठा सकते हैं, लेकिन एक डिजिटल में एक आईपैड रहेगा छोटा सा पैड पे, उसमें हम एक बिलबोर्ड बड़ा उस पर भी हम एक काम बिठा सके, उतना काम हम इस पर ही कर सकते हैं इतने छोटे से पे फ्रेम पे। तो ऐसा कुछ आपको लगता नहीं, आपके मन में नहीं आता? शुरू में ऐसा एक हुआ था। हाँ। कि मतलब एक कॉमन कन्वर्सेशन तुमने कभी सुना रहेगा। हाँ। अरे तुझं रिअलिस्टिक एवढं चांगलं आहे, तू डिजिटल पण करू शकतो। तो ये जो कॉमन वर्ड है और ये सेंटेन्स है, तो ये मैंने भी सुना है बहुत बार, अभी भी सुनता हूँ। गुनगुनाता है दिल मेरा, डम 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 ड